हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि आज ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई जा रही है दोस्तों, जिन भाई का यहाँ पे अपने मोबाइल को यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जैसे में हमारा फ़ोन हमें कहीं पर खो गया, ठीक है। और मुझे वो पर्सनल ईमेल आईडी मुझे याद नहीं है दोस्तों, पासवर्ड भी मुझे याद नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप जब दूसरे मोबाइल को ख़रीदते हो या आपका मोबाइल आपने रिसेट कर दिया, ठीक है दोस्तों, या आपने मोबाइल रिसेट कर दिया और आपको उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत है, तो दोस्तों ऐसे में आप क्या करोगे और मोबाइल को आप रिसेट कर चुके हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए बेहद बनाई जा रही है दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा दोस्तों। अगर आपको अपना मोबाइल को रिसेट कर दिया दोस्तों और आपको ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी डालने के बाद ही आपका वो आगे का प्रोसेस खुल पाएगा, मतलब आपका मोबाइल आगे उसके बाद ही ओपन होगा, ये चाहे जो भी हो या आपका मोबाइल खो गया हो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे पर्सन में हमारे पास ना ईमेल आईडी है दोस्तों, ना पासवर्ड है, ठीक है। उसके बाद भी हम ईमेल आईडी पासवर्ड को कैसे रिकवर करेंगे, इसी भी चीज़ इसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जब किसी भाई का इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप लोगों ने अगर हमें अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया दोस्तों, लिंक मिल जाएगा आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करें हमें, जो भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम होगा दोस्तों मैं वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, आप अपना पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे 100%, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास चला जाए। तो दोस्तों हमारे पास ना मोबाइल नंबर है ना हमारे पास मतलब मोबाइल नंबर हमारे पास है दोस्तों, लेकिन हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड मेरे को याद नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करने वाले, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने सिंपली से आपको जीमेल, जिसमें आप जीमेल को लॉगिन करते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको जीमेल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, मतलब एक बार इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अपने लोगों के ऊपर क्लिक करना है। लोगों के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ऐड अकाउंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐड कंटेंट इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन हमें देखने को मिल चुका है, सेटअप योर ईमेल, ठीक है दोस्तों। हमारा ईमेल यहाँ पे हमें सेटअप करने का यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो आप मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में मत कमेंट कीजिएगा कि भाई मेरा रिकवर नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें गूगल का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो हम सिंपली से गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना, आपको चेक इन लेगा, ठीक है, ये आपका पासवर्ड नहीं लगा रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर पासवर्ड आपका यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों तो हमें यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपको जो यहाँ पे होगा दोस्तों अपने स्क्रीन को आपको अलाउ कर देना। तो चलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अलाउ कर दिया दोस्तों। उसके बाद ये चेक इन इन्फो, ठीक है, मतलब हमारा ये चेक इन कर रहा है दोस्तों, ठीक है। हमारे नेटवर्क भी थोड़ा स्लो है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ से इस तरह से ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी मांग रहा है, लेकिन हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है दोस्तों, और हमारे पास पासवर्ड भी नहीं है। मेरा मोबाइल जब मैंने रिसेट किया तो मेरा यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है फॉरगॉट ईमेल, इस वाले ऑप्शन पर हम करेंगे क्लिक। अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा दोस्तों ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ले लेगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों आपको मोबाइल नंबर आपको जैसे ले लेगा दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, चलिए मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर लास्ट नेम, याद रखना है दोस्तों आपको कि आपको ईमेल आईडी में आपने जो ईमेल आईडी को जिस नाम से बनाया था दोस्तों उसी नाम को आपको डालना है, नहीं तो अगर आप गलत डालोगे दोस्तों तो आपको ये रिकवर नहीं हो पाएगा और आपको ये रिकवर नहीं होगा, इसीलिए आपको इस चीज़ को तो ज़रूर ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एमडी सद्दाम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे लास्ट नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा दोस्तों अपने नाम के हिसाब से नाम अपना अपने हिसाब से डाल लेना है। यहाँ पर चलिए मैं अपना नाम को अच्छे तरीके से डाल लेता हूँ, यहाँ पर एमडी सद्दाम अंसारी है, ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम भी गलत हो रहा था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अंसारी डालूँगा, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने फर्स्ट नाम डाल दिया है और यहाँ पे लास्ट नाम मैंने यहाँ पे फिलअप कर रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे इसी नाम से मैंने एक ईमेल आईडी बनाई थी दोस्तों और हमारा ईमेल आईडी मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब मैंने यहाँ पर गलत डाला, ठीक है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं आ चुका मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं फिर से डालता हूँ,
ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझिएगा। नेक्स्ट करेंगे, अब जैसे यहाँ पर मैंने नाम डाल के यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को अभी बता रहा था दोस्तों कि अगर आप गलत नाम डालोगे, गलत आप यहाँ पे थोड़ा सा भी नाम को गलत डालोगे दोस्तों, तो ये आगे का प्रोसेस आपको रिकवर करने के लिए नहीं देगा। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग मतलब रिकवर के लिए मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम को डाला था दोस्तों आप लोग के सामने लाइव दिखाने के लिए दोस्तों, मैंने एक गलत वर्ड डाला था दोस्तों। मेरा एक्चुअली यहाँ पर जो ईमेल आई डी में नाम था दोस्तों एमडी सद्दाम था, ठीक है, मैंने यहाँ पर अंसारी भी डाला था ये चीज़ को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग को यकीन हो जाए दोस्तों कि आप गलत डालोगे तो आपको यहाँ पे रिकवर नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा आ चुका है, चलिए हम सेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कुछ समय लगेगा दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ मिनट्स ले रहा है दोस्तों प्रोसेसिंग, आपको यहाँ पे वेट करना है दोस्तों अच्छी तरीके से, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर से दोस्तों हो सकता है आपको ये ईमेल आईडी, अगर आपको यहाँ पे लगे दोस्तों कि ये ईमेल आईडी नहीं था, मेरा दूसरा ईमेल आईडी को मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यूज़ अनर द अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको फॉरगोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, और आपको जो नाम आपको जो ईमेल आईडी का आप पासवर्ड भूले हैं दोस्तों, और ईमेल आईडी भूले हैं उसका यहाँ पे आपको नाम डालना होगा, ठीक है। नाम डालने के बाद जैसे फॉरगोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को लाइव दिखाया दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हमारा इस तरह से ऑप्शन निकल के आ चुका है दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग को अभी दिखाया, मतलब हमारा यहाँ पे पासवर्ड रिकवर हो गया जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया अभी, ठीक है। मैं चलिए फिर से दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कहेंगे मुझे कि भाई तुमने दिखाया नहीं, ठीक है दोस्तों। तो मैं दोस्तों आप लोग को सारा चीज़ इसलिए स्टेप बाय स्टेप दिखा दी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते एमडी सद्दाम अंसारी, मेरा यहाँ पे पासवर्ड रिकवर हो चुका है, ईमेल आईडी हमारा उस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, जो ईमेल आईडी मैं रिकवर करना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे हमारा पासवर्ड मांग रहा है दोस्तों, तो चलिए मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने निकाल लिया दोस्तों, तो यहाँ पर पासवर्ड को भी मैं फॉरगोट कर लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ईमेल आईडी को मैंने आप लोग को सामने एकदम पूरा लाइव दिखाया दोस्तों, रिकवर करके किस तरह से रिकवर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग को सारी चीज़ समझा दिया। उम्मीद करेंगे दोस्तों जानकारी जो आप लोग को दिया होंगे दोस्तों जानकारी पसंद आएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरा से भी तो लाइक कर देना, अपने लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना किसान दोस्तों। अगर आपको ईमेल आईडी रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो दोस्तों, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, आप लोग जरूर वहाँ पर जाइए, मैसेज करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो दोस्तों। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा दोस्तों मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमें भाई लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मैं सभी का प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है मैं आपका प्रॉब्लम को सोल्व कर दूं, ठीक है। आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पे जरूर हमें मैसेज करें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करेंगे दोस्तों जानकारी पसंद आया होगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करके जरूर अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करना, चलिए एंड करते हैं।